हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप होंगे बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए। मैं आपको ब्लाउज का साइज बता देती हूँ। तो देखिए, ब्लाउज की जो हमने लंबाई ली है वो इस तरह से 14 इंच ली है, और देखिए ये हम 32 साइज का बना रहे हैं। तो डबल फ्रंट में 8 इंच ले लिए, 2 इंच वाला मार्जिन है। शोल्डर 6 इंच लिए, आर्म गोल हमने 6 इंच लिए, इसमें हमारी 1.5 इंच की गुलाई है। तो देखिए, ब्लाउज को हम साइड में रखेंगे, लाइनिंग पे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, शोल्डर से 3 इंच, और ये हमारा बोट नेक रहेगा इस तरह से 3.5 इंच। देखिए सर, यहां से 1.5 इंच। देखिए सर, इसमें हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें करना क्या है, इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर भी हम इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है निशान लगाने का दोनों तरफ। देखिए इस तरह से। अब हमें करना क्या है, नीचे हम ब्लाउज रखेंगे इस तरह से सीधा, और देखिए इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे हम इस तरह से। और देखिए, हमें सिलाई करनी है, यहां से हम इस तरह से सिलाई करेंगे इस तरह से, फिर पलट देंगे अंदर की साइड हम। चलो हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी। अब इसका नेक हम तैयार करेंगे, तो नेक पे हम कटिंग कर देंगे जिस हमने ड्रॉ किया था हमने। देखिए इस तरह से, अब सेम बफर के हम इसकी नेक पट्टी कट करेंगे। एक ही तरह से हमने नेक पट्टी कट कर ली है। अब इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई करेंगे पूरे गले पे। फिनिशिंग दे दी इस तरह से। अब हमने ये गोल्डन कलर की लेस ली है, तो पूरे नीचे से इस तरह से लगाएंगे पूरे नीचे तक, और फिर नेक पे भी।
लेस लगा दी, तो इसको हम साइड में रखेंगे। देखिए हमने ये पट्टी ली है इस तरह से, देखिए लंबी पट्टी ली हमारी, तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, तो इसकी हमने लंबाई ली 10.5 इंच है डबल फोल्ड में। और देखिए चौड़ाई हमने इस तरह से 9 इंच ली, लेकिन हमें कम चाहिए चौड़ाई। अब इसमें हम ऊपर सिलाई करेंगे स्ट्रेट में। देखिए इस तरह से जो सिलाई है वो हमने बीच में ले ली है। करना क्या है, इसमें हम इस तरह से पास पास यहाँ पे पूरे में स्ट्रेट सिलाई करेंगे नीचे। सिलाई कर दिए, अब यहाँ बीच में मोती लगाएंगे। तो ये हमने गोल्डन कलर के मोती लिए इस तरह से। देखिए इस तरह से तैयार किए, इसे हम नीचे लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे, पिंसल सेट कर लिए, यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए हमने पूरे में लेस लगा दी और नीचे में पट्टी भी लगा दी और यहाँ पे सिलाई भी कर दी। बीच में देखिए कितने प्यारा हमने फ्लावर बनाया मोतियों से। तो आप इस तरह से ही सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज में। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस डिजाइन को। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।